हाय गाइस, व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम एलएल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, कई डिमांड आ रही थी कि भाई ट्वी ब्रो की वीडियो आई है, आपने उस पर रिएक्शन नहीं किया, तो आप प्लीज़ उस पर रिएक्शन करो। तो मैंने भी सोचा कि चलो भाई इस पर रिएक्शन करना बनता है, तो मैं इस पर रिएक्शन करने लगा हूँ। ट्वी ब्रो की जो लास्ट वीडियो है मैं उस पर रिएक्शन दे रहा हूँ। ये है पाकिस्तानी रिएक्शन ऑन इंडिया रोस्ट पार्ट 5, पाकिस्तानी रोस्ट, PNMM रोस्ट, ट्वी ब्रो ऑफिशियल। तो ये ट्वी ब्रो ने भाई ने मेरे ख्याल से लास्ट वीडियो है उनकी जो बनाई थी उन पे, तो उसके बाद अभी कोई वीडियो नहीं आई है। तो मैं ये वीडियो आप सब लोगों के साथ मिलके बैठ के देखूंगा कि ट्वी ब्रो ने इस वीडियो में कैसे PNMM को रोस्ट किया है। देखो, ट्वी ब्रो जो रोस्ट करते हैं वो फैक्ट एंड फिगर्स पे करते हैं, ठीक है। वो जैसे भी वो PNMM वाला बोल रहा है कि टोटे उठा लेते हैं, वो टोटे कि जो बात होती है वही उठाई जाती है। असल बात जो होती है, जो प्यार मोहब्बत वाली होती है, वो बात उठा के तो रोस्ट बनता नहीं है। रोस्ट उसी बात पे बनता है जो आपने गलत बात की होगी। तो पहले हम ट्वी ब्रो की वीडियो देखते हैं, फिर एंड में थोड़ा सा मैं इस पर अपना रिएक्शन करूंगा। तो पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भाई लोग, बात करते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल के एक ऐसे छाप रिएक्शन चैनल के बारे में जो अपने आप को पाकिस्तान का सबसे ज्यादा ज्ञानी बंदा घोषित कर चुका है। ये मेजर गौरव आर्या को ज्ञान देता है। जब मुल्क के ऊपर बात आती है तो फिर देखा नहीं जाता कि एक है कि दस है। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। ये खान सर को ISI एजेंट बोलता है। इनको पता नहीं ISI ने पैसा खिला दिया, मुझे लग रहा है एजेंटों वाला काम ही लग रहा है इन्होंने किया आज। और ये कहना था इन बंदों का खान सर की इस वीडियो को लेकर। जानबूझ के भारत ने मिसाइल का परहेट हटाया कि किसी की जान माल की हानि ना हो, बस हमें मिसाइल घुसा के बवाल करना था। मुझे लग रहा है कि ये बड़े ही इरेस्पॉन्सिबल किस्म का इन्होंने बनाया है। भाई कभी कभी मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि कोई बंदा इतना बड़ा जाहिल कैसे हो सकता है। मतलब खान सर ने इनको रोस्ट क्या किया, इसने तो ऐसा माहौल बना दिया जैसे BJP पार्टी के किसी बड़े नेता ने कोई बयान दे दिया हो कि भारत ने पाकिस्तान में ब्रह्मोस जान बूझ कर मारी। बंदे ये तक बोल रहे हैं पाकिस्तानी PM वगैरह देखे और जाके UN में बताएं कि सब कुछ सबूत। अबे ये खान सर है कौन, आर्मी चीफ है या BJP के कोई बड़े नेता जो उनका बयान लेकर UN में जाएगा। वो हिंदुस्तान के एक आम नागरिक की तरह है जो छात्रों को फनी वे में पढ़ाते हैं। अब ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि मैंने कटोरा खान की मारी थी, जहाँ मेरा बयान लेकर भी UN पहुँच जा। ये ना समझा क्या मेरे को भाई, इन मत्था बंदों के ज्ञान का मैं क्या ही बोलूं। आप खुद देखो, इस बंदे का कश्मीर को लेकर कहना है। वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 1.5 करोड़ है इंडिया वाली साइड पे जो है, और इस साइड पे जो है वो 40 करोड़ है। क्या 40 करोड़ है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। मतलब भाई जितनी आबादी पूरे पाकिस्तान की नहीं, उतनी आबादी तो बंदे ने अपने दिमाग से सिर्फ POK में बनाई हुई है। और इसका डिप्लोमेसी पर ज्ञान वो तो भाई अपरम पार है। अब इसका ये वीडियो देखो, ये तब का वीडियो है जब कटोरा खान रूस दौरे पर था और उसकी रूस में ढंग से बेइज्जती हुई थी, जिसको लेकर इस पेटू का कहना था कारपेट नहीं था, बंदा नहीं आया। वो जो वेले होते हैं ना बेचारे नालायक, जिनको कुछ नहीं मिलता उनको यही चीजें मिलती है। भाई इस पेटू की माने तो मेजर गौरव आर्या अज्ञानी, खान सर ISI एंड भारतीय पत्रकार नालायक, बस दुनिया में यही एक भोसड़ी वाला ज्ञानी रह गया है। भाई मुझे हैरानी होती है ऐसे अच्छा बंदों की रिएक्शन वीडियो देखते कौन लोग हैं, जिसको इतना ज्ञान नहीं कि विदेश दौरे पर गए किसी भी देश के प्रधानमंत्री की एक एक छोटी चीज नोटिस की जाती है। और भाई ज्ञान हो भी कैसे, जिन्होंने खुद के मुगले आजम को या तो एयरपोर्ट पर चेकिंग के लिए कपड़े उतारते देखा हो या सऊदी प्रिंस का ड्राइवर बनते हुए। बात तो सही है, लेकिन फिर भी ऐसे छाप जाहिल बंदे का लोग समर्थन कर रहे हैं, उसकी वीडियोज देख रहे हैं, जबकि बंदा भारतीय लोगों, भारतीय फौज के बारे में हमेशा जहर उगलता है, जो मैं फर्स्ट पार्ट में पहले ही दिखा चुका हूँ। टेररिज्म जो है ना कश्मीर में, जो उसमें मसाइल चल रहे हैं ना कश्मीरियों के, इंडियन फौज के साथ, इंडियन आर्मी के साथ, उसका एक रिएक्शन है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। वो टेररिज्म की जो डेफिनेशन है ना, वो एक बस एक प्लेट ऑयल उन्होंने बनाया हुआ है, उसमें कोई इतनी मुझे सच्चाई नहीं लगती। भाई इस बंदे ने कुछ भारतीय लोगों का तो इस कदर ब्रेन वॉश किया हुआ है कि इसकी असली औकात देखने के बाद भी वो इसके झांसे में आ रहे हैं। ये वो क्रिकेट के दौरान फनी पोस्ट थी। मतलब बंदा खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि ये पोस्ट इसने की, और दूसरी तरफ लोगों को
पंक्तियां भी बना रहा है कि क्रिकेट के दौरान फनी पोस्ट थी। अबे अगर क्रिकेट के दौरान फनी पोस्ट थी तो साले इस कैप्शन का क्या मतलब, ये क्यों लिखा हुआ है क्रिकेट से रिलेटेड कुछ लिखता। भाई ये पेटू झूठ की ऐसी मूसलाधार बारिश करता है कि इतनी बारिश तो पाकिस्तान में रियल में नहीं होती। शराबत की भाई ये बंदा इतना हरामी और शातिर है कि जब भी कोई बंदा इसका पैजामा खोल दे तो वाला विक्टिम कार्ड खोल कर बैठ जाता है। पाकिस्तान जब से बना पार्टीशन में आपको पता है कुछ मिला नहीं हमें। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। फिर हमें लीडर्स कुछ ऐसे मिले जो बड़े करप्ट थे, सवाए कायदे आजम और एक ये इमरान खान। भाई एक मिनट, बंदा एक तरफ बंटवारे के बाद पाकिस्तान की कंगाली पर बकचोदी कर रहा है और दूसरी तरफ इसके मसीहा कटोरा खान का कहना था, मैं जब स्कूल में था तो तब पाकिस्तान एशिया में सबसे तेजी से मुल्क वो आगे बढ़ा। अबे बड़ू तू ये बता, लोग तेरी सच माने या कटोरा खान की? हाँ ये समस्या है। और भाई कटोरा खान का तो ये इतना तगड़ा समर्थक है कि उसके एक बार बोलने पर बंदा खुद कश्मीर में आकर फटने तक को तैयार हो जाएगा, तो कटोरा खान की कही बात को ये कैसे झुठला सकता है। ओ बंदे को सिम कार्ड खोलकर भारतीय लोगों से व्यूज जो खाने हैं, और व्यूज के लिए तो ये बंदे इतने रंग बदल दे कि साला गिरगिट भी ना बदल पाए। वो आप फर्स्ट पार्ट में पहले ही देख चुके हो कि ये कश्मीरी गर्दों का कितना तगड़ा समर्थक है, जो कश्मीरी गर्दों के खिलाफ ना भौंक कर भारतीय फौज के खिलाफ जहर उगलता है। लेकिन उसके बावजूद भी इस बंदे का कहना है, क्रिमिनलिटी बनने की जाली कोशिश कर रहे हैं, कोई हिंदुस्तानी बाहुबली बनने की कोशिश कर रहा है। मैं क्यों कहता हूँ ऐसे कंटेंट तबाही है। मतलब इस जिहादी की माने तो हिंदुस्तानी भाव क्रिमिनलिटी जैसे लोगों का कंटेंट तबाही है, और ये बेटू हिंदुस्तान हिंदुस्तानी फौज के लिए जहर उगले, दुष्प्रचार फैलाए, तो इसका कंटेंट सही। भाई हिंदुस्तानी भाव कैसा भी सही, उसने हमेशा से भारत के खिलाफ भौंकने वालों को रख रख कर पेला। यही वजह है इन पोर्कियों को हिंदुस्तानी भाव जैसे लोग तबाही नजर आते हैं, लेकिन इन जैसे के मुंह से हिंदुस्तानी भाव कैरी मिनाटी जैसे लोगों के लिए तो नफरत बाहर निकल आएगी, लेकिन साजिदा अहमद जैसे पाकिस्तानी एल के लिए ये एक शब्द नहीं बोलेंगे, जबकि वो भर भर के हिंदू देवी देवताओं को गाती है। भाई ये वाले धर्म के नाम पर दूसरे धर्म के लोगों को गाना बके रिएक्शन देने के नाम पर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करें, यहाँ तक कि गर्दी के नाम पर बेकसूर लोगों को उड़ा भी दें तो कोई उफ तक नहीं करता, और हमें गाली भी दे दें तो इन के टकों का कहना होता है, ऐसे कंटेंट तबाही है माशरे के लिए। मतलब हम इन जैसे आदियों की असली औकात दिखा दें तो माशरे के लिए तबाही, और ये मदरसा छाप के नाम पर दूसरों को तो ये शांति दूत। अरे तुम्हारी की कंट्रोल। अबे चूतिये कम से कम तुम्हारी तरह जात के नाम पर दूसरे लोगों का काम तो नहीं कर रहे, दे तो बस क्या ही रहे हैं। और भाई ये भैंसा एक और बकचोदी बहुत पेलता है, लोगों के चैनल्स पे जाकर देख कर कर रहे हो ना कि ओ इधर उसने ये जो टोटा होता है ना इससे पूरा एक बैकग्राउंड नहीं पता चलता। आज साले तेरा टोटा ही तेरे पिछवाड़े में देता हूँ। पहले तू एक बात बता, तूने वीडियो में मेरी पूरी वीडियो के बारे में क्यों बात नहीं की, क्यों सिर्फ पूरी वीडियो में तेरी गाली चिल्लाता रहा, क्यों उस पर नहीं बोला जो तूने भारतीय फौज को लेकर कहा था। तू भी तो टोटे उठा रहा है, तो ये मैं भी तो तेरी उतनी वीडियो दिखाऊंगा जितनी जरूरत होगी। लोग मेरी वीडियो तेरी औकात देखने के लिए देखते हैं, ना कि तेरी शक्ल, जो 15-20 मिनट तक तेरी वीडियो ही चलाता रहूंगा। वो भी चीज आप अगर मेंशन करते हो उसका लिंक दो। और रही बात वीडियो के लिंक की, तो के लिंक देकर क्या मैं तेरे व्यूज बढ़वाऊंगा। भाई लिंक की तो बंदा ऐसे डिमांड कर रहा है जैसे वीडियो में दिखने वाला बंदा ये भैंसा नहीं कोई और हो, और इसकी आवाज मैंने निकाल कर डब की हो। उसको मेरे जहन का काफी पता चल गया होगा। बहुत अच्छी तरह पता चल गया दादी, तू कश्मीरी आतंकवाद का समर्थक है, तू छाप है जिसको मेजर गौरव आर्या खान सर हिंदुस्तानी भाव कैरी मिनाटी जैसे लोग अज्ञानी नजर आते हैं और खुद बड़ा ज्ञानी बनता है, जबकि तू खुद इनके के बाल बराबर भी नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। भाई मेरा काम था आप लोगों को सच्चाई दिखाना, जो मैं दिखा चुका हूँ। इससे ज्यादा मैंने इसको और कुछ बोला तो बंदा अगली वीडियो में रोना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि कार्ड खोलकर लोगों को चुतिया तो ये बरसों से बनाता हुआ आ रहा है, और ये आगे भी ऐसा ही करेगा। आपकी आंखों में धूल झोंकेगा और आपके देश के खिलाफ ही जहर उगलेगा। अब भाई आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या देखना है। अब कुछ भाई लोग कमेंट सेक्शन में पूछेंगे कि भाई इसका तीसरा पार्ट भी आएगा क्या, तो भाई उनको अभी से बता दूं, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो भाई लोगों यहाँ पे होगी वीडियो खत्म। यार सच में जो ट्विबरो भाई है ना, इनका रोस्ट करने का तरीका ना सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ये मैं तो ये कैरी मिनटे तो रोस्ट करता ही करता है, लेकिन ये जो रोस्ट करते हैं ना, इसको आप वीडियो देखते जाओ आपको ये नहीं पता चलेगा टाइम कब पास हो गया। और ये बात होती है कि ये रियलिटी वो चीज़ें दिखाते हैं कि जो किसी ने बंदे ने कही होती हैं, फिर बाद में उसको उस दूसरा बंदा पलटी मार रहा होता है।
तो इनका दिखाने का तरीका बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो मेरे को इनकी रोस्टिंग, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मेरे को इनकी रोस्टिंग नंबर वन लगती है, ठीक है। हाँ, गाली गलोच करते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाली गलोच इनका हर एक का अपना अपना होता है, कोई प्यार से का बात करता है, कोई गाली गलोच से बात करता है, लेकिन जो मेन मुद्दा होता है इनका दिखाने का कि ये आपको रियलिटी दिखाता है, ये दिखाता है कि कैसे इस गेम को खेला जा रहा है, ठीक है। मैंने भी बनाई थी वीडियो, मैंने भी कुछ गलतियाँ की हैं क्योंकि मेरे को नहीं पता था इस गेम में पहले यूट्यूब चैनल कैसे काम करता है या कैसे है, क्योंकि मेरा नया चैनल था, 4 महीने 5 महीने होने वाले हैं अब, ठीक है। तो मेरे को नहीं पता था, लेकिन अब मेरे को धीरे धीरे समझ आने शुरू हो गई है कि ये काम कैसे चलता है। तो अगर आपको कुछ करना है तो आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, आपको पीछे, आपने अगर कदम रख लिया तो आप पीछे कदम नहीं रख सकते। तो जो ट्विब्रो भाई है, अल्टीमेट रोस्टिंग करते हैं, बहुत अच्छी रोस्टिंग करते हैं ये, इन्होंने पहले बहुत ज़्यादा अच्छी रोस्टिंग बनाई हुई है। मैं काफ़ी टाइम से इनको, जब से ये वीडियो बना रहे हैं तब से तो नहीं, लेकिन तकरीबन मैं इनको साल से तो फॉलो कर ही रहा हूँ, देख रहा हूँ इनकी वीडियोज़, तो मेरे को अच्छी लगती हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मेरे को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, और आप मेरे को बताना कि ऐसी गाली गलोच वाली वीडियो, मैंने जब मैंने पहली बार ट्विब्रो की वीडियो की थी तो उसमें मैंने पूछा था, आपसे परमिशन मांगी थी कि ऐसी गाली गलोच वाली वीडियो क्या मैं अपने चैनल पर लेके आऊँ या ना आऊँ, तो लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि नहीं भाई आपने ऐसी वीडियो नहीं दिखानी, तो मैंने फिर इनकी वीडियो कंटिन्यू रखी हैं, ठीक है। अगर मेरे को ज़्यादा कमेंट आ जाएंगे तो मैं वीडियो गाली गलोच वाली बंद कर दूंगा, लेकिन मेरे को अभी तक लगता नहीं है, क्योंकि सभी यहाँ पे 18 प्लस के बंदे बैठे होते हैं, तो ये अपने मुल्क के लिए बोलते हैं, ये कोई जहर नहीं फैलाते, ये अपने लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये इंडिया के लिए बनाते हैं, ये कभी भी पाकिस्तान के लिए वीडियो नहीं बनाते। जो पाकिस्तान नहीं है वो इंडिया के लिए वीडियो बनाते हैं, ठीक है, व्यूज़ लेने के लिए। ये जो इंडियन है, ठीक है, ये इंडिया को दिखाने के लिए करते हैं, इनके पास मेरे ख्याल से पाकिस्तान के कोई होगा ही नहीं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि उनके पास ना नेट है, ना उनके पास इतनी है समझ, ना कुछ है। तो ये अपने इंडिया भारतीयों के लिए आपको समझाने के लिए करते हैं कि ये ऐसे काम चल रहा है। जो टोटे टोटे वाली बात है, वो टोटे टोटे वाली बात इन्होंने क्लियर कर दी है, तो वो मैं भी कहता हूँ कि टोटे ही उतने पीस उठाया जाता है, बाकी लोगों ने देखी होती है वीडियो, पता होता है लोगों ने क्या बोला गया है, तो अच्छा काउंटर करते हैं ये। तो यहाँ तक थी मैंने आपको वीडियो दिखानी। प्लीज़ अगर आपको ये मेरा चैनल पसंद आ रहा है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, और शेयर जरूर करो भाई अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ताकि हर भारतीय के पास ये बात पहुँच सके। कई भारतीयों को ऐसी चीज़ों से समझ आ जाती है, कईयों से प्यार से समझ आती है, कईयों को गुस्से से समझ आती है, तो लेकिन हमारा मोटिव ये है कि भारतीयों को समझ आए बात कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो यहाँ तक थी मैंने वीडियो दिखानी है। प्लीज़ फिर से बोल रहा हूँ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो इस कमेंट को, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ तक थी मैंने वीडियो दिखानी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।